नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस स्पेशल में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु अनवानी। सबसे पहले बात करेंगे मुंगेली की। मुंगेली जिले के लोरमी में छोटे छोटे बच्चों से प्रचार कराने का मामला सामने आया है। नगर पंचायत चुनाव में कई प्रत्याशी खुलेआम बच्चों से चुनाव सामग्री का वितरण और बच्चों से प्रचार करा रहे हैं। इसकी शिकायत जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अब तक किसी भी प्रत्याशी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हुए प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। वहीं छोटे छोटे मासूम बच्चों के द्वारा कराए जा रहे चुनाव प्रचार को लेकर लोरमी के SDM से बात की गई, तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। देखना होगा कब तक कार्रवाई होती है। हम केसर दीदी के प्रचार में निकले हैं, 5-6 दिन हो गए। शाम को निकलते हैं 4 बजे अब फुल छाप में। 5-6 दिन 10 जने 10 10। हाँ, इसमें सभी को सख्त निर्देश दिया गया है कि बच्चों का प्रयोग चुनाव में मतदाता में मतदान प्रचार में नहीं करना है, और यदि इस प्रकार की कहीं से भी शिकायत प्राप्त होगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम केसर दीदी के प्रचार में निकले हैं 5। तो इसलिए लोरमी की आपको दिखा रहे हैं, लोरमी के मुंगेली की, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, SDM ने जांच के बाद कार्रवाई की अब बात कही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। पर वाकई जो समय है बच्चों के पढ़ने का, उस वक्त उनसे प्रचार कराया जा रहा है, अपने निजी काम कराए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हम देखें तो शिक्षक को तो छोड़ा नहीं, शिक्षकों को भी पहले चुनाव प्रचार में लगा दिया गया, अब बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। बता दो, लोरमी के नगर पंचायत का पूरा मामला है, जहां पर कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके द्वारा छोटे छोटे बच्चों से प्रचार करवाई जा रही है। इसकी शिकायत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को की जाती है, लेकिन वे अब तक कार्रवाई नहीं किए हैं, और कल फिलहाल चुनाव प्रचार थमने लगा है। कितने दिन से ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और कितने कितने बच्चे, कितनी तादाद में ये बच्चे जाते हैं प्रचार करते हैं? लगभग 6-7 दिन हो गए हैं लगातार जो छोटे छोटे बच्चों से प्रचार करवाई जा रही है। और कम से कम लोरमी नगर पंचायत की हम बात करें तो 15 वार्ड होते हैं, जहां पर 59 प्रत्याशी अपनी हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी प्रत्याशियों के द्वारा यहां पर छोटे छोटे बच्चों से प्रचार करवाई जाती है। हर प्रत्याशी के साथ दर्जन भर बच्चे नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों को की जाती है। खास तौर पर यदि देखा जाए तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। न ही शिक्षा विभाग की कार्रवाई की है, न ही लोरमी के SDM, न ही तहसीलदार के द्वारा। और लिहाजा यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चुनाव मैदान पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करवाई जा रही है। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, जो बच्चे प्रचार कर रहे हैं, क्या स्कूल टाइमिंग के समय ये प्रचार किया जा रहा है? टाइमिंग में भी प्रचार करवाई जा रही है, सुबह से ही बच्चे प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों के साथ घूम रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम रात देर शाम तक के प्रचार किया जा रहा है। मतलब 24 घंटे में जिस समय भी प्रत्याशी के साथ देखा जाए, छोटे छोटे बच्चे मौजूद नजर आ रहे हैं। इन जो बच्चे प्रचार कर रहे हैं, इन पर किनका प्रेशर है, कौन इन्हें लेकर जाता है प्रचार के लिए? कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनसे बात की गई है, तो उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे जो घर परिवार के हैं या मोहल्ले के हैं, उन्हें इकट्ठा करके कुछ पैसों का लालच देकर उन्हें प्रचार करवाई जा रही है। वाकई ये बहुत शर्मनाक बात है, जिस तरह से हम देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। पहले शिक्षकों पर दबाव बना रहे थे, अब बच्चों पर बना रहे हैं। और अब हम देखें तो समय आ चुका है बच्चों की एग्जाम्स का, एग्जाम्स की पढ़ाई होती है, इस टाइम रिविजन होता है, उस टाइम बच्चों से प्रचार करा रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही है, और अभी एग्जाम का समय है, और बच्चों के साथ जिस तरीके से प्रचार करवाई जा रही है, तो बच्चों के साथ तो खुलेआम खिलवाड़ हो ही रहा है। अब जांच के आदेश तो दे दिए हैं, कार्रवाई की बात तो कही है, पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक जांच चलेगी इन लोगों की? अब तक केवल आश्वासन दिया गया है, लगातार 6-7 रोज हो गए हैं छोटे छोटे बच्चे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और विभाग के जिम्मेदार अधिकारी केवल कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे बच्चों के प्रचार पर अंकुश लगाई जा सके। केवल विभाग के जो अधिकारी हैं केवल आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार में इन बच्चों को घसीटा जा रहा है बीजेपी में, क्या लगता है राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव है इन अधिकारियों पर, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बच्चों को भी मैदान में उतार दिया है?
कहीं ना कहीं से ये विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लगातार वो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो नारेबाजी करने के लिए छोटे छोटे बच्चों का उपयोग कर रहे हैं, मदद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है कि उनके द्वारा समय रहते किसी तरीके से कार्यवाही नहीं जाती। चलिए चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। SDM रुचि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। जी, जिस तरह से हम नॉर्मी की तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चों से चुनाव प्रचार किया कराया जा रहा है, क्या है जो अगर हम देखें कभी शिक्षकों को घसीटा जाता है इन सब कामों में, अब बच्चों को भी घसीट रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई दबाव है क्या राजनीतिक? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस प्रकार से कोई भी दबाव नहीं है और किसी का भी ड्यूटी नहीं लगाया गया है। जो चुनाव कार्य में संलग्न है केवल उन्हीं का ड्यूटी लगाया गया है। हाँ, कुछ समय पहले ये बात सामने आई थी कि बच्चों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, परंतु इस संबंध में कोई भी ऑथेंटिक शिकायत नहीं की गई है, इसलिए इसमें ये हमारे यहाँ का कोई इसमें इशू नहीं है। अब हम आप कह रहे हैं कि जो करते चुनाव प्रचार वही करें, पर साफ तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहा है कि कितनी तादाद में बच्चे यहाँ पर, और 8 दिनों से लगातार जो बच्चों का समय है एग्जाम की तैयारी करेंगे, 2 महीने के बाद एग्जाम्स हैं और बच्चों से प्रचार किया जा रहा है, वो भी स्कूल के टाइमिंग के दौरान। नहीं, हमारे यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है। मैम आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, और आपने आगे आगे जो है आश्वासन भी दिया है कार्रवाई का। हाँ, हमारे कुछ समय पहले ये चीज पता चली थी कि बच्चों के द्वारा किया जा रहा है करके, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है। चलिए, अब शिकायत नहीं हुई है, अब हम आपको बता रहे हैं, आपके संज्ञान में मामला दे रहे हैं। अब तो आप सुनने की कोशिश कीजिए, किया जा रहा है बच्चों को, यदि शामिल किया जा रहा है तो उनको लालच दिया जा रहा है, बच्चों को चॉकलेट्स का, टॉफियों का, पैसों का लालच दिया जा रहा है, तो किस तरह की यहाँ पर चीजें हो रही है? बच्चों का भविष्य साफ तौर पर खिलवाड़ है। बिल्कुल, यदि बच्चों को शामिल किया जा रहा है तो ये कहीं से भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें सहयोग नहीं किया जाएगा, और जिन जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि जी, और लगातार रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।